Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. We all know winter is here and I am back with another winter haul video. आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अर्बैनिका 20th winter collection. आपको इस वीडियो में sweatshirt, cardigan, sweaters, सारी चीजें देखने को मिलेंगी. सो स्टे ट्यून विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. और बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अर्बैनिक विंटर ट्राई ऑन हॉल वीडियो. सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं. ये है बेसिक निट पुलओवर जो कि बहुत ही अप्रोप्रिएट है इस वेदर के लिए. आपको ना ये पुलओवर ऑलमोस्ट हर कलर में मिलेगा, ब्लू, रेड, ग्रीन, बहुत सारे कलर्स में ये अवेलेबल था. मुझे ये ब्राउन कलर में चाहिए था इसलिए मैंने इसे ब्राउन कलर में मंगवाया है. हाई नेक है, फुल स्लीव्स है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेचेबल है ये, आप इसे आराम से पहन सकते हो. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका जो फैब्रिक है दैट इज वेरी सॉफ्ट, मतलब पहनकर इतना मक्खन जैसा सॉफ्ट लग रहा है ये. प्लस ब्राउन कलर के साथ ये होता है ना कि आप इसे यू नो अपने ब्लैक ट्राउजर्स के साथ पहन सकते हो, जैसे मैंने इस वीडियो में पहना है. ये ब्लैक ट्राउजर के साथ बहुत अच्छा लग रहा है. प्लस दिस पुलओवर इज परफेक्ट फॉर दिस वेदर. अभी ज्यादा सर्दी भी नहीं है, ज्यादा गर्मी भी नहीं है, तो आप इस तरीके का पुलओवर पहन सकते हो इस वेदर में. देन जब विंटर्स होती हैं तो आप इसे इसके बाहर से जैकेट पहन सकते हो, वो भी काफी अच्छा लगेगा. देन ये आपको वार्म रखने में भी बहुत हेल्प करेगा विंटर सीजन में. पॉलिएस्टर का फैब्रिक है और बहुत कोजी फील हो रहा था इसे पहनकर मुझे. इसका जो प्राइस मैंने पे किया है वो है 975 रुपीज. विंटर सीजन इज ऑल अबाउट वेयरिंग स्वेटशर्ट, हुडीज, तो इसीलिए मैंने भी अर्बैनिक से एक स्वेटशर्ट ऑर्डर करी है. ग्रे कलर की ये स्वेटशर्ट है. आपको इसमें इस तरीके का व्हाइट कलर का प्रिंट मिला होता है एंड बैक से भी इस तरीके का एक प्रिंट आपको मिला होता है इस हुडी में, सॉरी स्वेटशर्ट में. बहुत ही हैवी स्वेटशर्ट है ये, मतलब काफी भारी भरकम स्वेटशर्ट दी है अर्बैनिक ने. और इसका जो कपड़ा है अगेन बहुत ही मोटा कपड़ा है और वार्म रखने में आपको हेल्प करेगा. आप इस स्वेटशर्ट को नॉर्मल अपनी जीन्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हो और आप इसको अपने शॉर्ट्स के साथ या फिर साइकिल शॉर्ट्स के साथ स्टाइल कर सकते हो. बहुत कूल लगती है ऐसी स्वेटशर्ट. इसका जो प्राइस मैंने पे किया है वो है 1369 रुपीज. तो ये मैंने 1369 रुपीज की खरीदी है एंड क्वालिटी डिसेंट है इसकी. प्लस ये अभी अर्बैनिक में आउट ऑफ स्टॉक हो रखी है, सो आई डोंट नो मैं इसका लिंक आपको कैसे प्रोवाइड कर पाऊंगी. बट इन केस जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँ और लिंक आ जाएगा इसका और अगर ये स्टॉक में आ गई तो डेफिनेटली आई विल शेयर द लिंक विद यू पीपल. Then we have this high neck sweater. इस sweater में आपको white और blue color भी मिलेगा. The sweater is looking very pretty. पहनकर बहुत अच्छी लग रही है. आप इसे Christmas के time भी पहन सकते हो. Sweater पहन ली, black trouser या blue jeans पहन ली, जैसा आपको सही लगे इसके साथ. तो बाकी red and black का combination is my all time favorite और वो हमेशा अच्छा लगता है. मैंने इस वीडियो में इसे अपनी नॉर्मल ब्लू जीन्स के साथ पहना हुआ है एंड यू कैन सी बहुत अच्छी लग रही है. क्वालिटी वाइज भी काफी अच्छी है. अगेन द स्वेटर इज वेरी स्ट्रेचेबल और लेंथ भी इसकी एकदम परफेक्ट है, ना ज्यादा लंबी है ना ज्यादा छोटी है. आप इसे आराम से पहन सकते हो. डेली वेयर के लिए भी बहुत अप्रोप्रिएट है. ऑफिस में इसे पहनकर जा सकते हो. सो ओवरऑल इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी है. पॉलिएस्टर का फैब्रिक है और इसका जो प्राइस मैंने पे किया है वो है 1665 रुपीज. देन वी हैव दिस स्वेटर. इस तरीके के पैटर्न आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है. H&M, Myntra, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे. अर्बैनिक में मुझे इसका डिजाइन थोड़ा ज्यादा पसंद आ रहा था. आपको इस तरीके के कॉलर्स मिलते हैं स्वेटर में, देन आपको नेक पर ऐसे जिप मिलती है. ये दो कलर्स में अवेलेबल है. एक तो यही है जिसमें आपको ब्लैक स्ट्राइप्स मिलती हैं और व्हाइट स्वेटर है. दूसरा है जिसमें आपको व्हाइट स्ट्राइप्स मिलती हैं, ब्लैक स्वेटर है. लेकिन मुझे ये ज्यादा पसंद आ रहा था इसलिए मैंने इस कलर में इसको ले लिया. एंड जस्ट लुक एट द स्वेटर, ये बहुत अच्छी लग रही है. आप इसे अपने ब्लैक ट्राउजर के साथ, ब्लू ट्राउजर के साथ स्टाइल कर सकते हो. प्लस इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि कैसे स्टाइल करें. सिंपल इसे पहन लिया सिंपल तरीके से और बस निकल जाओ अपने घर के बाहर. इसका पैटर्न एंड एवरीथिंग इज सो नाइस कि ऑटोमेटिकली लुक अच्छा ही आएगा. देन अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, बहुत अच्छी क्वालिटी है. पॉलिएस्टर का फैब्रिक है बट इट इज सो सॉफ्ट एट द सेम टाइम. अर्बैनिक के कपड़ों के साथ ना मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया क्वालिटी अच्छी रहती है. एंड इनफैक्ट विंटर्स के जो कपड़े होते हैं ना अर्बैनिक के, वो इतने सॉफ्ट होते हैं, पहनकर इतना
अच्छा फील होता है, इतना अच्छा कोजी और वार्म फील होता है। तो इसका फैब्रिक भी काफी अच्छा खासा है, हैवी स्वेटर है ये बहुत, और मोटा फैब्रिक है। इट विल श्योरली कीप यू वार्म ड्यूरिंग विंटर्स एंड डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस वन। द क्वालिटी इज माइंड ब्लोइंग गाइस, जितने भी कपड़े मैंने दिखाए हैं उन सबकी क्वालिटी बहुत 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 अच्छी है। सो या इसका मैं आपको प्राइस बता देती हूँ, ये मैंने खरीदी 1369 रुपीज में। लास्ट वी हैव दिस बटन नेट कार्डिगन। मैं सच बताऊं तो मुझे ना बहुत टाइम से कुछ इस तरीके का कार्डिगन चाहिए था। कार्डिगन तो वैसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे मिंत्रा वगैरह पे, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए था जो थोड़ा लेंथ वाइज भी लंबा हो और थोड़ा लूज हो, एकदम बढ़िया फिटिंग हो, जैसे इस कार्डिगन की है इन शॉर्ट। तो ऐसे मुझे मिल नहीं रहा था, और अर्बैनिक में था, बट अर्बैनिक में यार थोड़े से ना एक्सपेंसिव होते हैं कपड़े, तो मेरे को लगा कि अगर मुझे 400 to 500 के बीच में मिल जाए तो शायद मैं ले लूं, लेकिन मुझे कहीं मिल नहीं रहा था। सरोजनी नगर में मैंने सेम एग्जैक्ट डिट्टो इसी तरीके का कार्डिगन देखा, बट जब मैंने उसे निकलवाया भैया से कि भैया एक बार दिखाना, तो क्वालिटी वॉज सो 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 बैड कि मेरी मम्मी ने तो बिल्कुल मना ही कर दिया कि नहीं ये नहीं खरीदना है। तो फिर फाइनली मैंने इस बार ये कार्डिगन ऑर्डर कर दिया अर्बैनिक से। एंड ऑनेस्टली जब ये मैंने देखा ना कार्डिगन, मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा क्वालिटी वाइज। मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा पुराना सा है, लेकिन जब मैंने इसे स्टाइल किया ब्लैक क्रॉप टॉप और ट्राउजर के साथ ना, इट वाज लुकिंग सो सेक्सी एंड क्लासी कि फिर मेरा दिमाग ही चेंज हो गया। एंड आई वॉज लाइक कि यार रख लेती हूँ, अच्छा लग रहा है ये पहनकर। देन मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या करूँ, रख लूँ? मम्मी कह रही अगर पसंद आ रहा है तो रख ले, बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब तक मम्मी हाँ नहीं बोल देती ना किसी चीज़ के लिए कि हाँ रख ले, तब तक मैं वो चीज़ रखती नहीं हूँ। अब चाहे मुझे सुबह से लेकर रात तक कन्विंस करना पड़े, अपने यू नो सारे बेनिफिट्स बताने पड़े, सारी चीज़ें बतानी पड़े, तब जाके हाँ बोले, लेकिन बस हाँ सुननी होती है मुझे। तो फिर मैंने समझाया मम्मी को कि मम्मी पहनकर तो अच्छा लग रहा है, आप इसे ऐसे छुओ, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, इतना सॉफ्ट है, ये है वो है। एंड देन शी वाज लाइक हाँ वैसे लग तो बढ़िया रहा है तो रख ले। आप देख सकते हो मैंने अभी तक टैग भी नहीं निकाला, क्योंकि मैं ना श्योर नहीं थी, बट नाउ आई एम श्योर कि मैं इसको रख रही हूँ। तो क्वालिटी वाइज इट इज वेरी नाइस। इसमें आपको दो कलर्स और मिलेंगे, एक है ग्रे और दूसरा है वाइट, बट अगेन मुझे ब्राउन अच्छा लग रहा था। मैंने ब्राउन मतलब कभी भी आप शॉपिंग कर रहे हो ना किसी भी वेबसाइट से, अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें ध्यान में रखो कि आपके साथ जो भी आप टॉप खरीद रहे हो, स्वेटर खरीद रहे हो, तो क्या आपके पास उसके साथ पहनने के लिए बॉटम वेयर है या नहीं। अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या, मेरे पास ना ब्लैक ट्राउजर्स, ब्लैक ड्रेस सब चीज है, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए टॉप में या स्वेटर में कुछ था नहीं, इसीलिए मैंने मोस्टली सारे वही कपड़े रखे हैं जो मेरे ब्लैक ट्राउजर के साथ या ब्लैक ड्रेस के साथ चले जाएं। ये कार्डिगन भी क्योंकि इसका ब्राउन कलर है तो ये ब्लैक के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास एक ब्लैक ड्रेस है तो मैं उसके साथ भी इसको पहन सकती हूँ, ये बहुत अच्छा लगेगा। तो उस हिसाब से आप अपने कलर्स डिसाइड करना विंटर की शॉपिंग करते टाइम। सो यस, अब मैं आपको जल्दी से इसका प्राइस बता देती हूँ। इसके लिए मैंने पे किए हैं 1173 रुपीज। सो दैट्स ऑल फॉर अर्बैनिक हॉल वीडियो। आई होप आपको अर्बैनिक का ये जो विंटर कलेक्शन मैंने दिखाया है वो पसंद आया होगा और हेल्पफुल भी लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन यू नो वॉट टू डू, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको बेल आइकन को हिट करना है, सो दैट जब भी मैं इस चैनल पे कोई भी वीडियो डालूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। यू ऑल कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ये है मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।